हम लोगों ने 2014 में हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के बहुमत की सरकार बनाई थी। 47 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में बने थे और 5 साल हमने जो सरकार चलाई हरियाणा की अपनी जनता, मैं जनता ना कहकर के कहूंगा कि हरियाणा का मेरा 2.5 करोड़ का ये परिवार, इनकी हमने लगातार सेवा की है, 5 साल तक पीछे मुड़ के देखा नहीं है। अब ये बात अलग है कि 47 के बाद 43 जगह ऐसी भी थी जहां भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी और उसमें संयोग ऐसा है कि सिरसा की 5 सीटें थी जहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं था। केवल मैं कह सकता हूं 3 जिले ऐसे थे जहां भाजपा का एक भी विधायक नहीं था। 19 जिलों में या तो सब विधायक थे या कहीं 2 कहीं 1 विधायक जरूर थे और 3 जिलों में एक पलवल जिला, एक नूह जिला और एक सिरसा है। लेकिन हमने भाइयों बहनों सरकार का काम करते समय जिन बातों को, विशेष बातों को ठाना था उसमें एक बात यह थी कि हरियाणा का विकास बिना भेदभाव के करेंगे, हमारा विधायक हो चाहे नहीं हो, हमने सब तरह विकास के बराबर काम किए। राजनीतिक नेताओं की छवि, हम अपने हरियाणा का इतिहास उठा के देख ले किस किस प्रकार की छवि यहाँ की रही है। दबंगता की छवि भी रही है, लठ तंत्र की भी रही है, धनबल की भी रही है, डराने धमकाने की भी रही है। कभी किसी की छवि ऐसी नहीं बनी कि सेवा की छवि हो, प्यार की, प्रेम की, आशीर्वाद की, ये छवि कभी पहले रही नहीं। आज अरे मनोहर लाल जैसा हो, मतलब मनोहर लाल को ना हो, जैसा का मतलब होता तो मनोहर लाल जैसा कोई और हो। पहले हमेशा सरकार की एंटी इनकमबेंसी होती थी लेकिन इस बार पहली बार हरियाणा में प्रो इनकमबेंसी हुई है, एंटी इनकमबेंसी नहीं हुई है। प्रो इनकमबेंसी यानी पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक ढंग से सोचने का ये प्रकार अपना है। मैं समझता हूं इस हरियाणा के लोगों की सोच के साथ आप जरूर चलेंगे और जब आप जरूर चलेंगे तो निश्चित रूप से सिरसा की सीट भी हम जीतेंगे और आसपास की बाकी सीटें भी जीतेंगे। जीतना तो है, जीतना चाहिए, जीत के लिए आप प्रयत्न करेंगे लेकिन अच्छे मार्जिन से करेंगे। लोकसभा आपने जीत के दिखाई है, जब लोकसभा आप जीत सकते हैं इतने वोटों से, यहां कितने वोट से जीते थे लोकसभा? 41,000 से सिरसा असेंबली में हमको ज्यादा वोट मिले। कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं जिससे हम हारे हैं, जो 41,000 से उस समय जीत सकते हैं तो भाई 2-5,000 बढ़ाना ही चाहिए, घटाना क्यों चाहिए, हम बढ़कर के हैं। यहाँ की कुछ समस्याएं ऐसी ऐसी हैं जिनका निराकरण करना बहुत जरूरी है। उसमें एक समस्या का हम लोगों को पूरा ध्यान में भी है, खास करके सिरसा जिले की बॉर्डर पर वो समस्या है और वो है नशाखोरी। इस नशाखोरी के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमको नशा मुक्ति की ओर जाना पड़ेगा, नशा बंदी की ओर जाना पड़ेगा। हमारा नौजवान जो बिगड़ता जा रहा है और वो स्मगलिंग होकर के चल रहा है, पाकिस्तान से स्मगल होकर के पंजाब में आता, पंजाब से स्मगल होकर के हमारे हरियाणा में घुसता, हमारे कुछ अपने लोग भी कभी कभी उसमें फंस जाते हैं। एक नेता हमारा फंस गया, हमको लगता था बहुत अच्छा नेता है, शायद धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा करके हम बहुत आगे ले जाएंगे, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कुछ महीने पहले हमें पता लगा कि हमारा नेता इन कामों में फंसा हुआ है। आखिर हमको लगा कि उसको दूर रखना चाहिए, हमने वो दूर किया। दूर क्या किया? प्रमाण मिल गया अभी 2 दिन पहले उसके गांव के अंदर गोलियां चल गई नशे के कारण से। आप समझ गए होंगे कौन देश जो था, हमको आंखें दिखाते हैं आगे। इस प्रकार से इस नशे की लड़ाई के अंदर
हम लोग प्रयत्न किया था, 8 प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को हमने बुलाया था, उसमें से 4-5 मुख्यमंत्री आए, कुछ प्रदेशों के अधिकारी आए, एक साझा रणनीति बनाई। पंचकुला में हमने एक सेक्रेटरिएट बनाया है कि उत्तर भारत की ये जो नशे की समस्या है, ड्रग्स की समस्या है, इसको दूर करके छोड़ेंगे, इसके अंदर कई प्रकार के प्रयत्न करने पड़ेंगे, ये सब करेंगे। अच्छे आदमियों को आगे लाने की मुहिम, ये भी हमको छेड़नी पड़ेगी। यहाँ पर राजनीति में हावी जो लोग हैं वो धन बल के कारण से हैं, धन कमाते हैं दुनिया भर का, हमें एतराज नहीं है, एतराज एक ही बात है किस तरीके से कमाते हैं, तरीका ठीक हो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं से लाते हैं, कहीं कमाते हैं, आप सना तरीके से हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन जनता को आह्वान जरूर करेंगे कि धन के चक्कर में नहीं आना, ये जिला धन के चक्कर में पॉलिटिकल सत्ता को सौंपता रहा है, धन बल से दूर रहो, बाहुबल से दूर रहो, और अगर हमने काम करना है तो जनबल को साथ लेकर के करना है, जनता हमारे साथ चाहिए, और इस प्रकार की समस्याओं का तभी हम निजात पा पाएंगे। अच्छे आदमियों को आगे लाने की मुहिम, ये भी हमको छेड़नी पड़ेगी। यहाँ पर राजनीति में हावी जो लोग हैं वो धन बल के कारण से हैं, धन कमाते हैं दुनिया भर का, हमें एतराज नहीं है, एतराज एक ही बात है किस तरीके से कमाते हैं, तरीका ठीक हो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं से लाते हैं, कहीं कमाते हैं, आप सना तरीके से हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन जनता को आह्वान जरूर करेंगे कि धन के चक्कर में नहीं आना, ये जिला धन के चक्कर में पॉलिटिकल सत्ता को सौंपता रहा है, धन बल से दूर रहो, बाहुबल से दूर रहो, और अगर हमने काम करना है तो जनबल को साथ लेकर के करना है, जनता हमारे साथ चाहिए, और इस प्रकार की समस्याओं का तभी हम निजात पा पाएंगे। इसी जगह की अगर बात करें, एक प्रत्याशी तो ऐसी है, वो ऐसे प्रत्याशी है सिरसा से कि जेल मंत्री हुए और जेल मंत्री के पद से उतरे तो खुद जेल की हवा खाने चले, आज वो प्रत्याशी बन के यहां हिम्मत जुटा रहे हैं कि मैं विधायक बनूंगा, कुछ तो विचार करना चाहिए हमारे सिरसा विधानसभा के लोगों को कि इस प्रकार के चरित्र के आदमी को हम आगे नहीं लाएंगे। और एक दूसरा ऐसा जिसको कल तक हम अपना समझते थे, लेकिन जब कभी उसका व्यवहार देखते थे, अनुशासनहीनता देखते थे, जिस प्रकार का व्यवहार जो अपने घर का नहीं हुआ, हमको भी आंखें दिखाता था, हमने कहा भाई तुम बच्चे हो, नजदीक थोड़ा ठीक रहो, आगे चल करके बड़ी लंबी दौड़ है, इसके अंदर शामिल हो जाओगे तो आगे बढ़ोगे, आज ही जल्दी पड़ी हुई है, मैं जल्दी विधायक बनूंगा, विधायक बनने के लिए आगे निकल पड़ा। और मैंने तो उनके माता पिता से, क्योंकि पिछली बार उनके माता जी को हमने चुनाव लड़ाया, मैंने कभी समझाओ बेटे को, वो कहते हैं ये क्या करें, हमारी बात नहीं मानता। अब वो पता नहीं बाप की और माँ की बात मानता कि नहीं मानता,